चुनाव आचार संहिता लगते ही शस्त्र धारकों को अपने हथियार थाने में जमा कराने पड़ते हैं। अगर तय समय पर लोग अपने शस्त्र जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कई बार तो लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, आचार संहिता लगते ही पुलिस शस्त्र धारकों को हथियार जमा कराने के लिए नोटिस भेजने लगती है। पुलिस ऐसा इसलिए करती है कि ताकि चुनाव के समय किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो। सवाल उठता है कि अगर इस बीच लाइसेंस धारक पर जानलेवा हमला होता है तो वह अपनी रक्षा कैसे करेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही और रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि क्या यह नियम सभी पर लागू होता है। तो आपको बता दें कि यह नियम केवल इंडिविजुअल शस्त्र लाइसेंस धारकों पर ही लागू होगा। केंद्रीय और सरकारी विभागों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों और उनकी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों पर ये नियम लागू नहीं होता है। इस आदेश में उन खिलाड़ियों और लोगों को भी बाहर रखा जाता है जो राष्ट्रीय राइफल संघ और कोडवा समुदाय का हिस्सा होते हैं। अब बात करते हैं कि शस्त्र जमा होने पर अगर लाइसेंस धारक पर जानलेवा हमला हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो आपको बता दें कि पुलिस लाइसेंस धारक से हथियार जमा कराते वक्त यह भरोसा जरूर दिलाती है कि वह उसकी पूरी सुरक्षा करेगी, लेकिन पुलिस लिखित में कभी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेती है। ऐसे में अगर शस्त्र लाइसेंस धारक की जान को कोई खतरा होता है तो पुलिस उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। खास बात तो यह है कि चुनाव के दौरान पुलिस द्वारा हथियार जमा कराने का कोई संवैधानिक अधिकार भी नहीं है। पुलिस कानून व्यवस्था को देखते हुए ही ऐसा करती है। अगर किसी लाइसेंस शस्त्र धारक की जान को वास्तव में खतरा है तो पुलिस उसे उसका हथियार जमा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। यूपी हाईकोर्ट ने तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस बारे में आदेश भी दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव में सभी लोगों को अपना असलहा जमा कराने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि जिस किसी से भी कानून व्यवस्था खराब होने का खतरा होगा केवल उसका लाइसेंसी हथियार ही पुलिस जमा कर सकती है। हालांकि उसके लिए भी स्क्रीनिंग कमेटी बनाने के बाद असलहादार को नोटिस भेजना होगा, तब जाकर पुलिस उसका असलहा जमा करा सकती है। इससे यह स्पष्ट है कि पुलिस जबरन किसी से उसका लाइसेंसी हथियार जमा नहीं करा सकती है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।